नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानू पहला पेश ने चोणवीं खबरां। सुरां दी रानी लता मंगेशकर का मुंबई दे विच सरकारी सन्मान नाल अंतम संस्कार होया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई शख्सियत अंतम संस्कार विच होईयां शामिल। देश विच दो दिन के सोग का ऐलान। संसद विच अज लता मंगेशकर नूं दित्ती जावेगी श्रद्धांजलि। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पंजाब की जनता डबल इंजन वाली सरकार चाहती है जिहड़ी सूबे का विकास कर सके। राहुल गांधी ने चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख्यमंत्री दे अहुदे दा चेहरा ऐलानिया। भगवंत मान ने कहा कि सूबे विच उन्हां दी सरकार बनन ते पंजाब चों माफिया दा अंत होवेगा। पंजाब विच 6वीं क्लास तों स्कूल अते होर विद्यक अदारे अज तों खुल्ले। केंद्र सरकार दे दफ्तर अज तों पहलां वांग कामकार करनगे। ते भारत ने वेस्ट इंडीज़ नूं मौजूदा लड़ी दे पहले एक दिना मैच विच 6 विकटां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। सुरां दी रानी भारत रत्न लता मंगेशकर नूं अज संसद विच श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां जाणगियां। लता मंगेशकर दा मुंबई दे शिवाजी पार्क विच कल शाम नूं पूरे सरकारी सन्मानां नाल अंतम संस्कार कीता गया। उन्हां नूं हंजू भरियां अखां नाल अंतम विदाई दित्ती गई। लता दीदी दे भतीजे आदित्य अते भरा हृदयनाथ मंगेशकर ने उन्हां दी चीखां नूं अग्नि दिखाई। इस मौके उन्हां दीआं भैणां ऊषा, आशा अते मीना भी उत्थे मौजूद सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली तों मुंबई पुज्जे अते लता दीदी नूं श्रद्धांजलि भेंट कीती। अंतिम संस्कार दौरान वख-वख सियासी पार्टियां दे नेतावां तों इलावा फिल्म जगत दीआं कई हस्तियां समेत वड्डी गिनती विच लोक हाजिर सन। भारत रत्न लता मंगेशकर दा कल सवेरे 8:12 ते करीब मुंबई दे ब्रीच कैंडी हस्पताल विच देहांत हो गया सी। ओ 92 साल दे सन। उन्हां दा जन्म 28 सितंबर 1929 नूं इंदौर विच होया सी। उन्हां भारत दी सब तों प्रसिद्ध अते बेमिसाल गायिका वजों शोहरत हासिल कीती। लता जी ने अपने 6 दहाकियां दे गायन काल विच 30 भाषावां विच 30,000 तों वध फिल्मी अते गैर फिल्मी गाने गाए। हिंदी फिल्म महल विच उन्हां वल्लों गाया गया गाना आएगा आने वाला सुपर डुपर हिट रहा। भारतीय सिनेमा विच उन्हां दी पहचान मुख प्लेबैक गायिका वजों रही है। उन्हां नूं साल 2001 विच भारत दे सब तों वड्डे नागरिक पुरस्कार भारत रत्न नाल सन्मानित कीता गया सी। लता मंगेशकर ने जवानां नूं समर्पित एह गीत गाया सी। लता मंगेशकर दे देहांत ते 2 दिना कौमी सोग दा ऐलान कीता गया है। उन्हां दे सन्मान विच 2 दिना तक कौमी झंडा अद्धा चुक्या रहेगा। पंजाब सरकार ने भी 2 दिन दे राष्ट्रीय सोग दा ऐलान कीता है। इस दौरान सरकारी दफ्तरां विच कोई भी मनोरंजन प्रोग्राम नहीं होवेगा। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने लता मंगेशकर दे देहांत उत्ते डूंघे दुख दा इजहार कीता है। सुरां दी रानी लता मंगेशकर दे देहांत ते जलंधर विच वख-वख वर्गां दे लोकां ने डूंघे दुख दा इजहार कीता। दूरदर्शन जलंधर दे प्रोग्राम मुखी अनूप खजूरिया ने इस बारे लोकां नाल गल्लबात कीती। अज दा ध्याड़ा बड़ा दुख भरा ध्याड़ा है क्योंकि सुर दी रानी
लता मंगेशकर जी अज साढ़े विच नहीं रही। अज आपां डीडी पंजाबी लई उन्हां नूं खराजे हकीकत जिहड़े आम पब्लिक नाल असी गलबात कीती। बहुत ज़्यादा दुख होया लता मंगेशकर जी, साडी जनरेशन साडे तों बहुत पहलां दे इक बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर ने, ते असी साडे पेरेंट्स सारे उन्हां नूं बहुत ज़्यादा पसंद करदे, ते उन्हां दा म्यूजिक दिल नूं छू जांदा। एक बार तां मैं आप म्यूजिक दी बहुत शौकीन हाँ, तो उन्हां दी आवाज़ सुन के एक रूह नूं सुकून जिहा मिलदा सीगा। तो बहुत ज़्यादा दुख होया कि वो साडे विच नहीं रहे, पर उन्होंने साडी इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री, साडी दुनिया नूं बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया। लता मंगेशकर जी अज जो खबर मिली कि उस दुनिया तो रुखसत हो गए ने, तो यूं लगता जिवें एक युग दा अंत हो गया। एक ऐसी गायिका जिसनों बचपन तो सुनिया, मतलब जदों कितें आवाज़ कहिंदे सी कोई गूंजना शुरू करदे सी ए मेरे वतन की लोगो, तो वह लगता सी नहीं, बहुत लोगों ने सुने, बहुत गायिका आईया आईया, लेकिन ना लता पैदा हो सकती है तो ना ही लता वर्गा कोई आ सकता है। लता जी पंजाब की नहीं, पूरे इंडिया की कोयल सी, उसके मिठे गीत सदियों तक अमर है और हमेशा लोगों को पीस ऑफ माइंड, मन की संतुष्टि दिलाते रहेंगे। मेरी उनको आज के दिन बहुत बड़ी सुंदर लता मंगे बहुत बढ़िया गाते रही, तो कहना बहुत बढ़िया आवाज थी उन्होंने, अभी रेडियो जो सुनते रहे उदा उन्होंने बहुत इज्जत करी जाते थे, तो बहुत सोहने गाते थे, उन्होंने वर्गा कोई है नहीं। थिंक हर इंडियन अज दुख होएगा, तो मैं मानता कि यह देश का बहुत वड्डा एक लॉस है, एक बहुत महान हस्ती साढ़े तो विछड़ गए ने। हाँ जी, बहुत दुखदायक खबर है जी, अज लता मंगेशकर जी उन्हें इस दुनिया अलविदा कर गए। उन्होंने जाने नाल एक संगीत जगत में बहुत ही वड्डा घाटा पिया, जिहड़ा करे भी नहीं पूरा होगा। हिंदुस्तान के हरेक बच्चे के दिलों की धड़कन सी हिलने वाला कर, बहुत बहुत अफसोस है इस खबर का। पांच सूबियां विच हो रही असैम्बली चोणां बारे भारत चोण कमिशन ने नवीं हदायतां जारी कीतियां ने। इन्हां मुताबक रोड शो, पैदल यात्रा, साइकिल, मोटरसाइकिल जां गड्डियां दी रैली अते जलूस कढ़न ते पाबंदी नूं अग्गे वधा दिता गया है। आउटडोर मीटिंग, इनडोर मीटिंग, रैली दे संबंध विच व्यक्तियां दी गिनती इनडोर हाल दी समर्था दे 50% अते खुले मैदान दी 30% तक सीमित होवेगी। ओपन ग्राउंड रैलियां सिर्फ जिला अधिकारियों वल्लों ऐलाने मैदानां विच आयोजित कीतियां जा सकदियां ने अते एसडीएम दीआं सारीआं शर्तां दी पालना करना जरूरी होवेगा। इस मैदान दी जिला प्रशासन ई सुविधा पोर्टल राही पहला आओ पहला पाओ ते आधार दे बराबर तौर ते करेगा। इन्हां मैदानां दी समर्था जिला प्रशासन वल्लों तय कीती जावेगी अते सारे पक्खां नूं इस दी सूचना दित्ती जावेगी। इस तों इलावा कोविड संबंधी नियमां दी पालना करना भी जरूरी होवेगा। घरों घरी चोण प्रचार लई व्यक्तियां दी गिनती पहलां वांग ही 20 रहेगी अते चोण प्रचार दा समां भी सवेरे 8 बजे तों रात 8 बजे तक ही रहेगा। पंजाब विधानसभा चोणां दे मद्देनज़र सूबे विच आदर्श चोण जाबता लागू होण उपरंत वख-वख इनफोर्समेंट टीमां वल्लों सूबे विचों 5 फरवरी 2022 तक जाबते दी उलंघना दे संबंध विच 329 करोड़ 49 करोड़ रुपए दी कीमत दीआं वस्तां जब्त कीतियां गईआं ने। इस संबंधी जानकारी दिंदिआं पंजाब दे मुख चोण अफसर डॉ एस करुणा राजू ने दस्सिआ कि निगरान टीमां ने 22 करोड़ 34 लख रुपए दी 39,62,000 लीटर शराब जब्त कीती है। इसे तरह इनफोर्समेंट विंगां वल्लों 280 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद करने इलावा 23 करोड़ 6 लख रुपए की बेनामी नकदी भी जब्त की गई है। मुख चोन अफसर ने दसिया है कि 1233 वध संवेदनशील थावां की पहचान की गई है। इस तो इलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 3198 व्यक्तियों की शनाख्त भी की गई है, जिन्हों 2527 व्यक्तियों विरुद्ध पहला ही कार्रवाई विधी जा चुकी है, जबकि बाकियों उत्ते भी जल्द मामला दर्ज कर लिया जाएगा। उन्होंने यह भी दसिया है कि सुरक्षा के नजरिए तो CRPS एक्ट दियां रोकथाम संबंधी धारावां तहत 1593 व्यक्तियों काबू किया गया। उन्होंने दस्सिया कि सारे ही 2881 गैर जमानती वारंटा दे केसा उते कार्रवाई की जा चुकी है। उन्होंने अगे कहा कि सूबे भर में 19,716 नाके लाए गए ने। डॉक्टर राजू ने दस्सिया कि चोण कमीशन की हदायतों अनुसार सूबे में कुल 390,275 लाइसेंसी हथियारों में हुण तक 378,044 हथियार जमा करवाए जा चुके ने, जबकि सूबे में 96 बिना लाइसेंस वाले हथियार जब्त किए गए ने। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने अमृतसर विच बीजेपी दे उम्मीदवारां डॉ जगमोहन सिंह राजू, डॉ राम चावला, हरजिंदर सिंह ठेकेदार अते कुमार अमित दे हक विच चोण प्रचार कीता। बाद विच पत्रकारां नाल गल्लबात करदिआं उन्होंने कहा कि पंजाब दी जनता डबल इंजन वाली सरकार चाहुंदी है जिहड़ी सूबे दा विकास करे। उन्होंने कहा कि भगवंत मान वर्गा व्यक्ति अपना आप ही नहीं संभाल सकदा, उह पंजाब नूं किवें संभालेगा। हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दी सुरक्षा दे मामले विच पंजाब सरकार फेल होई है अते समुचे पंजाब विच माफिया राज है। उन्हें स्पष्ट किया कि श्रोमणी अकाली दल नाल किसी भी कीमत ते गठजोड़ नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने जिहड़ियां रिस्ट्रिक्शन
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਪਾਰਟਨਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯੁਗਾਂ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਸਾਡੇ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਗਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰ ਕੋਕਿਲਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਲਤਾ ਦੀਦੀ ਲਤਾ ਦੀਦੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਠ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਾਂਗੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਗੇ। ਇਹ ਯਹਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ, ये पंजाब को बदलने आए हैं। और मैं सिर्फ चन्नी जी की बात नहीं कर रहा हूं, सिद्धू जी, झाकड़ जी, हमारी पूरी की पूरी टीम, हीरो की टीम यहां पंजाब को बदलने आई है। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਇਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਫੈਲਾਇਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਨੇ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਹਾਈਕਮਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਲੁੱਟ ਦੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਰਗਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਚਿਹਰਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਮੀ ਟੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆਗੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਲਈ ਕਈ ਸਲੋਗਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ 22 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ 777 ਨਵੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੁੱਲ 10,352 ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 2,697 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 3,50,91,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਰੋਕੂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2,61,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਤਿਆਤੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋ, ਧੰਨਵਾਦ।